राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द हिंदू ग्रंथ में। मित्रों, ये घोर कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में लगभग 80% लोग मांस मछली का सेवन करते हैं। इसका कारण है वेद और पुराण का ज्ञान ना होना या फिर वेद पुराण को न मानना, क्योंकि सनातन धर्म के ग्रंथों में जैसे गीता उपदेश, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, ऋग्वेद व अन्य ग्रंथों में किसी भी जीव को बेवजह मारना या उसे मारकर खाना घोर पाप बताया गया है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किसी भी जीव को मारकर खाना कितना बड़ा पाप है, मांसाहार करने वालों को नर्क लोक में किस प्रकार की सजाएं भोगने पड़ते हैं और मांसाहार के बारे में हिंदू ग्रंथों में क्या कहा गया है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। मित्रों, जब एक सामान्य आदमी ने वेदव्यास जी से पूछा कि आपने इतने ग्रंथ लिख दिए, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए धर्म का क्या संदेश है, वो उसे कैसे समझ सकते हैं? तो उन्होंने कहा था, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडन, अर्थात कीर्ति स्वरूप 18 पुराणों के सार के रूप में महर्षि व्यास ने सिर्फ दो बातें कही, दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता है और दुख देने से पाप। इसको लेकर एक प्रचलित कहावत भी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अर्थात दूसरों के भला करने के सामान कोई पुण्य नहीं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के सामान कोई पाप नहीं। तो इन कथनों से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सनातन धर्म के हिसाब से मांस खाना गलत है। अब कुछ लोग अंग्रेजी में अनुवादित किताबों का सहारा लेकर इसे गलत ठहराने की असफल कोशिश करते हैं, तो उनके लिए बस इतना कहूँगा कि जीवन आपका है, आप उसे अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर धर्म को ना भी माने तो कम से कम स्वास्थ्य सलाह को ही मान लें और तामसिक भोजन को जितनी जल्दी हो सके अलविदा कह दें। इसी में आपकी भलाई है और उन बेजुबान और निरपराध जीवों का भी हित है। अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी से उसका जीवन छीनने का भी अधिकार नहीं है। वराह पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के वराह अवतार में पृथ्वी देवी के पूछने पर कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करता है, मैं ना तो उसकी पूजा ही स्वीकार करता हूँ और ना ही उसे अपना भक्त मानता हूँ। भगवान विष्णु यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य मछली या दूसरे पशुओं के मांस का सेवन करता है, मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी और कोई भी नहीं। इसके अलावा गीता में भगवान कृष्ण ने भी बताया है कि मनुष्यों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है, इसके सेवन से बुद्धि क्षीण होने लगती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है। उसके बाद मनुष्य न चाहते हुए भी कई तरह के अपराधों का भागीदार बन जाता है, और ऐसा मनुष्य जब मेरी पूजा करता है या मुझे याद भी करता है तो मैं उसके पास नहीं जाता। साथ ही गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मांसाहार भोजन राक्षसों के लिए है, न कि इंसानों के लिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आहार को तीन वर्ग सत्व, रज और तम में विभाजित किया है, जिसके अनुसार सात्विक आहार आयु को बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल बुद्धि स्वास्थ्य और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या अर्थात पशु बलि पाप की श्रेणी में आता है। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। इसके अनुसार वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में बताया गया है कि जो मनुष्य अश्व अथवा किसी अन्य पशु का मांस का सेवन कर उसको अपनी शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित करता है, उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। यजुर्वेद में बताया गया है कि मनुष्यों को परमात्मा की सभी रचना को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वह जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही अन्यों का भी हित करें। जबकि अथर्ववेद में कहा गया है कि हे मनुष्यों, तुम चावल दाल गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और रमणीय भोज्य पदार्थों का भाग है। तुम किसी भी नर और मादा की कभी हिंसा मत करो। वह लोग जो नर और मादा भ्रूण और अंडों के नाश से उपलब्ध हुए मांस को डोट कच्चा या पकाकर खाते हैं, तो मैं उनका विरोध करना चाहिए। मित्रों, स्कंद पुराण काशी खंड के तीसरे अध्याय में बताया गया है
कि जो मनुष्य मांस खाता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को न तो मृत्यु लोक में कभी सुख मिलता है और न ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में ही सुख मिलता है। वहीं ऋग्वेद में भी बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्यों को उनके समान सभी चार पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। वहीं गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करता है या फिर मदिरा का सेवन करता है उसकी भक्ति या पूजा कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते और ऐसे मनुष्यों की ना ही कोई देवता मदद करते हैं। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह सात्विक भोजन करें ताकि उसे अपने जीवन काल और मृत्यु के बाद भी ईश्वर का सानिध्य मिल सके और वो सुखी पूर्वक ही लोक से पर लोक की यात्रा कर सके। साथ ही भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य स्वार्थ के लिए दूसरे पशुओं की हत्या करता है उसे मृत्यु के बाद उसी पशु योनि में कई जन्मों तक जन्म लेना पड़ता है और वह भी उसी तरह से मारा जाता है जैसे उसने खाने के लिए पशु को मारा था। इसलिए मित्रों, अगर आप पूजा या फिर ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो मांसाहार का सेवन करना बंद कर दीजिए। वैसे भी मांसाहार भोजन को वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं माना गया है। यह मनुष्यों को कई तरह के रोगों से ग्रसित भी कर देता है। और जहां तक धार्मिक मान्यता की बात है तो उम्मीद करता हूं कि आपको वो समझ आ ही गई होगी। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।